प्रदेश में एक और जहां एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल भारी वर्षा व बाढ़ प्रभावितों की मदद में लगे हैं, वहीं आपदा वॉलंटियर भी पीछे नहीं हैं। ये वॉलंटियर प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं और लोगों की मदद में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। कुल्लू जिले में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके सदस्य आपदा वॉलंटियर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वॉलेंटियर्स लगभग 20 वॉलेंटियर्स रोज आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने पिछले 9 दिनों में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ राशन किट बनाई हैं, भेजी हैं। जो भी गांव या कस्बे बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं वहां तक हम उन्हें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी जितने भी असेंशियल्स हैं जैसे खाने पीने के हैं सब हम प्रदान कर रहे हैं और अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब से कुल्लू में ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद निरंतर जो हमारी टीम सहभागिता स्नोलैंड स्काउट एंड गाइड्स का जो ओपन ग्रुप है निरंतर तब से जिला प्रशासन के साथ मदद के लिए आगे आई है और जिन भी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जहाँ पर राशन भेजना हो या दूसरी सुविधाएँ उपलब्ध मुहैया करवाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर निरंतर कार्य कर रही है, चाहे उसमें चाहे राशन किट तैयार करनी हो या दूसरे स्थानों तक पहुँचानी हो उसमें हमारी जो टीम है टीम सहभागिता के सभी सदस्य निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज लगभग 9 दिन हो चुके हैं हमारी टीम को जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सभी काम कर रहे हैं। किट बनाने से लेकर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का हम सहयोग कर रहे हैं, हम जितना भी सामग्री है उनको जीप में लोड कर रहे हैं और जिन जिन क्षेत्रों को ज़रूरत है और वहां तक उन्हें पहुंचाया जा रहा है और हम किट बनाने से लेकर के उन्हें रवाना भी कर रहे हैं और सभी का सहयोग हमारे सभी वॉलेंटियर्स का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन सभी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी और इसी के साथ बताना चाहूँगी कि हम सभी जो है निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हम प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सेवाएं उनको दे रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।